और शो की मेन इवेंट में मैच देखने मिलता है रोमन रिंग्स वर्सेस सुजारो फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और इस मैच के स्टार्टिंग में पे सुजारो पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहे थे रोमन रिंग्स के ऊपर, और इसी के चलते सुजारो को बहुत डोमिनेटिंग दिखाया जा रहा था स्टार्टिंग में। लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पर रोमन रिंग्स को मोमेंटम मिलता है, रोमन रिंग्स अटैक करते हैं सुजारो को, लेकिन उसके बाद फिर से पर सुजारो को मोमेंटम मिलता है। लेकिन एक बार रोमन रिंग्स ने यहाँ पर सबमिशन में फंसा लेता सुजारो को, लेकिन सुजारो किसी तरीके से उससे बाहर निकलते हैं। लेकिन इस मैच के एंडिंग टाइम पे हमें देखने को मिलता है पर सुजारो फिर से अपना एक सबमिशन लगा देते क्रॉस फेस, लेकिन रोमन रिंग्स टैप आउट नहीं करते। लेकिन इसके बाद रोमन रिंग्स अपना सबमिशन मूव लगा देते सुजारो के ऊपर और सुजारो यहाँ पर पास आउट हो जाते, और इसी के तरीके से रोमन रिंग्स अपना टाइटल यहाँ पर रिटेन कर लेते। लेकिन मैच के बाद यहाँ पर जे उसो आते और एक्नोलेज करते रोमन रिंग्स को एज अ ट्राइबल चीफ, और इसके बाद वो सुजारो के ऊपर अटैक करते। इसके बाद सेथ रॉलिंस अपीयर होते और वो भी सुजारो को ऊपर ब्रूटली अटैक करते और उसके ऊपर स्टील चेयर लेके भी अटैक करते, और उसके बाद सुजारो को आर्म को स्टील चेयर के अंदर ले जाके बहुत ही ब्रूटली अटैक करते। और इसी तरीके से रसल मीने बैकलैश ऑफ ईयर चली जाती है। तो यही तक थी रसल मीने बैकलैश की हाईलाइट्स एंड रिजल्ट्स। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।